कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का हसौद में विरोध प्रदर्शन। हसौद में भाजपा नेताओं ने टूल किट मामले में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए धरना दिया। कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीजेपी नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी की मांग की। टूल किट मामले को लेकर कांग्रेस के भूपेश सरकार की कड़ी निंदा की, कहा कि टूल किट मामले के उजागर होने के बाद अब कांग्रेस भाजपा नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रही है और कहा कि कांग्रेस जो भी करे हम सच कहना नहीं छोड़ सकते। वहीं टूल किट मामले को लेकर भाजपा नेताओं के खिलाफ कांग्रेस की शिकायत के बाद राजनीति गर्मा गई। वहीं प्रदर्शन कर रहे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हसौद मिलन चौक से हसौद थाना पहुंचकर गिरफ्तारी की मांग की है, जहां हसौद पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले भाजपा के कार्यकर्ताओं को हसौद पुलिस गेट पर रोक दिया, जिसके बाद भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि हम भी रमन सिंह और हमें भी गिरफ्तार करो। समस्त ही धरना प्रदर्शन संपूर्णानंद मिश्रा पूर्व प्रदेश कार्य समिति किसान मोर्चा के तत्वावधान में किया गया, जिसमें गिरफ्तारी कराने के लिए नरसिंह साहू जिला उपाध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग मोर्चा परमानंद पटेल मंडल अध्यक्ष, घासी साहू पूर्व मंडल अध्यक्ष, सतीश कश्यप मंडल महामंत्री मौजूद थे। क्या है आखिर पूरा टूल किट मामला, ये बताते हैं आपको विस्तार से। टूल किट एक डिजिटल दस्तावेज होता है, इसे सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया जाता है। टूल किट आमतौर पर किसी मुद्दे को लेकर तैयार किया जाता है, उस मुद्दे पर तैयारियों को और आगे का रोड मैप का उल्लेख किया जाता है। टूल किट से संबंधित मामलों से जुड़ा हर अपडेट डाला जाता है, उस मुद्दे से जुड़े अदालती याचिकाओं प्रदर्शनकारियों की जानकारी, इसे जन आंदोलन बचाने की कोशिश से जुड़ी तमाम सामग्री सूचनाओं के तौर पर हैशटैग भी चलाया जाता है। टीवी इंडिया 18 से हरनारायण जायसवाल की रिपोर्ट।